हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में लगाई सेंध। बिटकॉइन को औपचारिक मान्यता देने वाले ट्वीट्स किए गए। पीएमओ ने रिकवर किया अकाउंट। लोगों से बिटकॉइन वाले ट्वीट को गंभीरता से न लेने को कहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज बैंक डिपॉजिटर्स को संबोधित करते हुए बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैंकों में जमा रकम पर मिलने वाली 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस गारंटी के बारे में देंगे जानकारी। जयपुर में आज महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस करेगी महारैली। सोनिया, राहुल समेत प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत के घर के बाहर लगा फैंस का जमावड़ा। अभिनेता के 71वें जन्मदिन को मनाने के लिए उत्साहित दिखे लोग। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,774 नए मामले। इस दौरान 8,464 लोग हुए स्वस्थ और 306 लोगों की गई जान। देश में एक्टिव केसों की संख्या 92,281 पर पहुंची।